अभी अभी आगे के सूत्रों से पता चला है कि आगे बहुत ज्यादा जाम है, काफी लंबा जाम लगा हुआ है। फंस गए बाबा, फंस गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू एंड हेलो नमस्कार का वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। सुबह के 7:47, बाप रे पता नहीं क्यों आज ठंड ज्यादा लग रही है। Fortuner set, Isuzu set। Hello, good morning, how are you? How do you do? Very good, नींद अच्छी आई। हाँ जी, good morning। Good morning, कैसे हो? बढ़िया एकदम, नींद बढ़िया आई? सपने वो आई कि नहीं? नहीं आई। चलो ठीक है। हाँ एक ले लो, इसको 5 पे डाल देना। 5 पे? 5 पे रखें। चलो ठीक है। Well, are you excited guys? Let's go. Guess. आज बर्फ मिलेगा अपने को? चांसेस है, बट आज असली ट्रिप यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी तक तो सिर्फ हम चल ही रहे थे मंजिल तक पहुँचने के लिए, असली मंजिल आज मिलेगी हमारे को। चलो फिर चलते हैं। 5 घंटे 54 मिनट लगेंगे, 253 किलोमीटर पहाड़ों में है, तो थोड़ा आराम आराम से चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस पाजी, रेडी? जैसे हम अपने होटल से निकले, एक गलत टर्न हमने ले लिया और तब से जम्मू का राउंड लगाए जा रहे हैं। हम एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर मैप दिखा रहा है कि आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है और लिखा हुआ है 5000 फाइन अगर गाड़ी लिया तो। फिर मैप रीरूट कर रहा है, फिर कहीं आर्मी बेस कैंप में पहुँच रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ कहाँ से आ गए, वहाँ से जा रहे हैं। अब ये कहाँ से लेके जा रहा है हमें भी नहीं पता, पहले जम्मू से बाहर निकल जाए। जी फाइनली बाहर निकल गए, सुकून मिला। नहीं तो भाई ऐसा लग रहा था कि हम जम्मू के अंदर ही चक्कर लगाए जा रहे हैं। चक्की पीसिंग और मस्त पेगी सनराइज। रुक के चाय वाय पियेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। थोड़ा बाहर निकलते हैं और क्या बोलते हैं, नींद खुलने वाली चाय। यहाँ डीजल भरवाने के लिए रुके हम और मस्त गाना बज रहा है, चाय भी दे रही थी। जम्मू में क्या रेट चल रहा है भैया डीजल का? 83 सस्ता है। यहाँ से हमने डीजल भरवाया, सामने हो रहा है खूबसूरत सा सनराइज। गाड़ी हमने यहाँ पार्क की हुई है, चाय पियेंगे वहाँ कहीं। A few moments later. जो गाड़ी हमने यहाँ पार्क की थी उन्होंने कहा कि पीछे करो क्योंकि ट्रक निकल नहीं पाएगा, तो वो पीछे जाएगा और ये इधर जाएगा। लोग चलते हैं यार, हमारी दोनों गाड़ी को एक साथ देख नहीं सकते, जुदा कर दिया यार। ये इधर भैया, ऊपर से नीचे तक टिप टॉप लड़की तैयार। ठंडी लग रही है। पिट शॉप कैफे, यहाँ पियेंगे चाय। इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं सही है। देखो नींद अगर खोल ली हो ना, या तो नाचो या तो चाय पियो, हमने आज दोनों कर लिया और भजन भी सुन लिया। अब हम आगे चलते हैं। Let's go, bitches. वीरे रेडी निकले? बस एक मिनट, इसका कॉफी बन जाए। बना कॉफी, सब पियेंगे। पता नहीं इसके भी पीने लायक रहेगा कि नहीं। पी लेगी कॉफी वाले पी लेते हैं लोग कुछ भी। Everything is yours, top notch. Get to the finish line completely effortless. I can see you on the seaside. Hi. मेरा कैमरा चालू है, व्लॉग में है तू। कितनी बर्फ है वहाँ पर ये बताओ पहले तो। भैया फ्रिज में बर्फ है सिर्फ। ठीक है, ग्लास में दे मेरे को। वहाँ बर्फ है कि नहीं? नहीं नहीं अभी तक बर्फ, दूर के पहाड़ों पे। दूर के पहाड़ों पे ना, यहाँ तो दूर दूर तक भी नहीं है। ये लड़की है, दूर रहो इससे। करना क्या चाहती है? गाड़ी अटक गई उसकी, गाड़ी अटक गई। ब्लॉग के लिए बाय बोल दे, चले। ओके बाय बाय। आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स हाइडिंग अंडरनीथ cuz आई गॉट सम क्वेश्चंस दैट यू गॉट द आंसर टू होल्स इन योर वॉल सो आई नो समथिंग्स। माउंटेन्स दिखना शुरू हो चुका है। ये वाले पहाड़ पे बर्फ नहीं है, ऊपर ऐसा हल्की हल्की सी बर्फ दिख रही है, बट ना के बराबर समझ। जम्मू से लेकर श्रीनगर और वहाँ पर जितना भी हम ट्रैवल करेंगे तो ये ट्रैवल थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हमने मदद ली है ट्रैवल स्टोरी की। हमारे ट्रैवल पार्टनर ऑफिशियली इस ट्रिप के वो है ट्रैवल स्टोरी। ट्रैवल स्टोरी के साथ हमने स्पीति भी किया था, अब हम कश्मीर। थैंक यू मोहित भाई। दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। वाह, लिखा है हीर ट्रांसपोर्ट।
नवाब दम है तो पास कर। किसी के लिए बेबी रिलैक्स कूल जस्ट चिल डोंट डू जस्ट चिल। भाई ये ट्रक वाले सही में एंटरटेनिंग होते हैं। दम है तो पास कर ले दोस्त। ये नहीं कर पाए पास। नहीं 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 Baby, relax. Yeah, boy. 'Cause I got some questions that you got the answer to. Holes in your wall, so I know something's going on. So hear me say, your influence. All right, जी, breakfast के लिए break लिया गया है. शेरे कश्मीर के पास Star Sweets. यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है. चाय is here. काली चाय मंगाए, सब थोड़ा थोड़ा खा के निकलते हैं क्योंकि तेल भी बहुत है इसमें, नॉट हेल्दी। पूरी और राजमा है, ये खा के निकलेंगे। यार खाना तो बढ़िया नहीं था, सोचे थे खाने के लिए, अंडा ऑर्डर किया, अंडा भी नहीं था, कहीं आगे जाके खाएंगे अच्छे से। Some questions that you got the answer to. Holes in your wall, so I know something's going on. So hear me say, your influence, my power, baby. दिखा रहा है traffic के, might be अभी आगे मेरे ख्याल से tunnel के बाद से थोड़ा खराब रास्ता चालू होगा। इनका ऐसा था कि पहले मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, इन्होंने खिलाया अपने को पहले अच्छा रोड दिया, अभी बोल रहे खुद जान जाओ। ट्रैफिक खुल गया भाई, ये पूरा अभी ऑरेंज दिखा रहा था, अभी सडनली ब्लू हो गया है। आई डोंट नो क्या जादू चल रहा है यहाँ पर। ये चिनानी नशरी बोगदा में हम घुस रहे हैं। ऐसे चलते चलते ये बोर्ड मैंने देखा था, तो ऐसे कहानी जब देखा था ना मुझे लगा चेन्नई लिखा हुआ है, बट चेनानी जैसे जनानी छेनानी। यहाँ पर 50 की स्पीड लिमिट है। बढ़िया, इतना अंधेरा क्यों लग रहा है यार? अच्छा चश्मा पहना हो गया मैं, चश्मा निकालता अब ठीक लग रहा है। सामने से गाड़ी आ रही है, टू लेन रोड है, ओवरटेक नहीं कर सकते, आराम आराम से ही जाना पड़ेगा। पिंटिया मजा आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है तो उतार दे कपड़े, अंदर हल्का हल्का सा ऐसा स्मॉग जैसा भी है, विजन क्लियर नहीं है, गाड़ी गंदी है, गाड़ी गंदी है, साफ करो। तो तू भी तो कर सकती है ना, आज का वॉश ये करेगी, बिकिनी वॉश आज मैं करूंगी। अरे कहाँ बिकनी वॉश होगा इससे, इतने लेयर के कपड़े पहन के रखती है, मेरे फोटोशॉप पे भी इतने लेयर्स नहीं होते जितने तेरे लेयर्स के कपड़े हैं। I'd rather stay warm than shiver. तू ठीक रहे बाबा, तू जैसा भी रहते को जो चाहिए वो लेते हो। टनल हो गया खत्म, काफी लंबा टनल था यार, कितना किलोमीटर है जितना पड़ेगा अभी नेट गूगल एडिटिंग का टाइम गूगल पे सर्च करके आपको दिखा देंगे स्क्रीन पे। देखो 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 क्या दिख गया हमें, अग्रवाल पीयूष बैग, द वेरी फेमस। एक अग्रवाल पीयूष बैग हमारे गाड़ी में है और एक सामने इनोवा में है, छत के ऊपर फेमस हो गया ये बैग। अग्रवाल पीयूष कहीं वो मेरा बैग तो नहीं लेके जा रहा है? अरे ये इनोवा अपने होटल में रुकी हुई थी। अब ये देख 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 पीछे देख पीछे देख, अपने वाला बैग है ना अपना, इधर है नहीं रखा था अपना, फिर से एक्सचेंज। अग्रवाल पीयूष लुंड्री वाला जो आया था ना, लुंड्री उसने ऊपर नीचे कर दिया, वो तो मैं थी सर लुंड्री। फिर से मिल गया जाम, अभी अभी आगे के सूत्रों से पता चला है कि आगे बहुत ज्यादा जाम है, लोग गाड़ियों से उतर के सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं और आराम से पिकनिक मना रहे हैं। ठीक है फिर हम भी पिकनिक मना ही लेते हैं। मोए मोए काफी लंबा जाम लगा हुआ है, फंस गए बाबा फंस गए। पीयूष अग्रवाल बैग सब गिर गया भाई, सब गिर गया। अपना इधर है, पीयूष अग्रवाल है अपना, एक्सचेंज नहीं हुआ है। देखो ना मैंने टैग भी बांधा, पता है ना फ्रेंडशिप टैग बदलेगा नहीं अभी। ये कल हमें तिलोक पाजी ने दिया था गिफ्ट, पैसे पूरे दिए। मैं ट्रैफिक दिखा रही थी तेरे को, 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैफिक है, लगता है रात इधर ही गुजरेगी, बट वी आर वेरी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये है हिमालयन रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाएंगे खाना, तो गाड़ी यहाँ पर है। हेलो गाइस, फ्रीज हो रहा है, फ्रीज।
यहाँ पर अंदर ज्यादा ठंडी है, जो रात की ठंड है ना वो बाहर निकली नहीं है, तो ज्यादा ही हाथ पूरे अकड़ गए। कुछ गर्मा गर्म ऑर्डर हो गया, चिकन ग्रेवी, वेज ग्रेवी, सीख कबाब, चपाती। लवली, लेट्स सी कैसा था, कैसा रहेगा वो नहीं पता। उम्मीद है मुझे सीख कबाब, मियां भाई लोगों से बहुत उम्मीद है। इसमें गर्म पानी क्या हुआ, स्टार्टर खराब हो गया क्या? विंटर में डीजल इंजन का आवाज कर रहे हो। हम लोगों को 10 बार रिपीट करना है, हा 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 गर्मा गर्म खाना आगे रिले और देख के तो लग रहा है कि बढ़िया है, आपको उन्हें पास कर दिया है, अभी जुबा की बारी है। एक रोटी देना थोड़ा सा, फूड ब्लॉगर मोहम्मद सलीम खान। तेल नमक थोड़ा ज्यादा है। कश्मीर आए और कावा नहीं पिया, तो फिर कश्मीर आए क्यों, ये लगाओ कावा। आह बट असली कावा मुझे लगता है कि श्रीनगर में मिलेगा। ओके जी, खाना पीना हो गया मस्त एकदम। जो कावा था, कावा पी के मजा आ गया, थोड़ा अंदर से गर्मी मिली। बट अभी हमने गाड़ी के अंदर हीटर चलाया, यही कोशिश कर रहे कि हीटर ना चलाएं, लेकिन अभी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी तो इसलिए हीटर चलाया। और यहाँ से श्रीनगर भी एक घंटा और है, और जैसे जैसे हम श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं रास्ते पर आर्मी की प्रेजेंस बढ़ते जा रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है। ऐसे हर 100-100 मीटर पे आर्मी खड़ी है गन लेके। Living life like a high life, everything is yours top notch, I can make it to the finish line completely effortless, I can see you in the season. तो अभी यहाँ पर आर्मी वाले ने हमें रुकाया था, मुझे समझा नहीं कि क्यों रुकाया, मुझे ऐसा लगा कि चेकिंग हो रही है। मैं राजस्थान गया हूँ, लद्दाख गया हूँ, जहाँ पर भी गया हूँ और वहाँ पर ऐसे आर्मी वाले मिले हैं, उनको देख के काफी ऐसा लेकिन सेफ फील होता है और हम मजाक मस्ती भी करते हैं उनके साथ में। बट यहाँ पर पता नहीं क्यों, मैं जब आर्मी वालों को देख रहा हूँ ना, डर सा लग रहा है। पता नहीं क्या है सीन, इतना शायद हमने न्यूज में सुन लिया है या इतना हमने टेरर अटैक्स देख लिए हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से वो पूरा जो आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, इस वजह से उन्होंने रुका के रखा था, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर आ रहे हैं तो कृपया करके जो भी व्लॉगर्स है ना, आर्मी वालों को मत रिकॉर्ड करना होगा यहाँ पर, स्पेशली कश्मीर में। यहाँ से श्रीनगर 13 किलोमीटर, फुल कड़क बंदोबस्त। यहाँ पर जो साइन बोर्ड होता है ना, उसमें इंग्लिश और उर्दू कंपलसरी। तुम्हारे पूरे सराउंडिंग में गन्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, बड़े बड़े आर्मी कैंप्स, थोड़ा तो ऐसा लगता है। हाँ, मतलब एक लेवल ऑफ मतलब एक्साइटमेंट है। ऐसा नहीं कि उनसे डर लग रहा है, मतलब ऐसा है कि इतनी सिक्योरिटी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी अगर फायरिंग शुरू, यहाँ के लोगों के लिए तो चलो वो होगा क्योंकि उन्होंने देखा होगा, हमारे लिए तो बहुत नया है ना। उससे ज्यादा वो और इंक्रीज हो गया जब वो हम कल जिन लोगों के साथ थे, उन लोगों ने जो स्टोरीज बोली। हाँ, उसके बाद तो ऐसे और एस्केलेट हो गया चीजें, वो बॉम्ब शेल और फिर बाद में वो सारी चीजें। फिर वो लोग अपने फ्रेंड्स की स्टोरी बता रहे हैं, मेरे घर के बाहर हुआ है, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, कोई और बोल रहा है मेरे घर के पीछे हो गया। ये वो लेफ्ट साइड में हमारे है डल लेक। लास्ट टाइम जब हम श्रीनगर आए थे यही रुके थे, इस टाइम हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, लेक के किनारे काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। और राइट साइड में हमारे है सलीम अली नेशनल पार्क, हमारा है नेशनल पार्क, यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो आई नो पीपल हैव ट्राइड बट नॉट देम इट्स लाइक मी। तो सही सलामत पहुंच गए श्रीनगर, एकदम बढ़िया। अभी क्या टाइम हो रहा है, लगभग 4:30 हो रहा होगा, सनसेट होने को है। बड़ा अच्छा है कि हम टाइम पे पहुंच गए, पहुंचते ही ठंड ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। अजी मजा आया, बहुत मजा आएगा भाई। जितना लग रहा था खराब होगा पर उतना था नहीं भाई। रोड सिर्फ एक जगह पे ऐसा पैच था जहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक था और ऑफ रोड था, बाकी पूरा स्मूथ। नेक्स्ट ईयर तक आओगे तो वो भी बन जाएगा। हां पूरा अच्छा रोड है यार,
एक जगह तो इतना बड़ा रोड मिला था वहाँ पर, तो प्लेन वो प्लेन के लिए ही था, तभी तो लंबे लंबे एयरस्ट्रिप बने हुए थे मार्किंग्स वगैरह, मतलब इतना अच्छा था वो, मजा आया। इमरजेंसी में अगर लैंड करना हो तो बढ़िया बढ़िया, हमारे पास है नहीं बदल लिया। ये है जी हमारा कमरा, ओ वो कितना बड़ा है, ये क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पर। ओहो तुम लोग को भी सेम रूम मिला है, यहाँ इतना बड़ा रूम है, तुम लोग क्या कर डांडे खेलोगे? हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। पहनो पहनो पापा की परियों। चलो अभी एक स्टेप दिखाओ, शकीरा शकीरा। चलो फिर हम फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे, ठंड तो बढ़िया है भाई, मजा आएगा लगता है। किसी को जिंजर लेमन टी चाहिए? अभी तो कुछ नहीं यार, अभी तो जो अंदर है उसको निकालने का प्लानिंग चल रहा है। पहले निकल जाए फिर बाद में सोचते हैं। रूम तो बढ़िया है, बट रूम का जो व्यू है वो ये मोए मोए। सो फाइनली श्रीनगर। यस, जिस मकसद से निकले थे मुंबई से, मुंबई उसके बेस पे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते कितना दिन लग गया? एक हफ्ता तो लगी थी। मुंबई से आया ना, दिल्ली वालों को दो दिन में पहुंच जाते हैं, हमें थोड़ा दो दिन तीन दिन एक्स्ट्रा लगता है। और आई जी आते ही सीधा सो गया था, अभी शाम के 9 बज रहे हैं, शाम के मतलब रात के 9 बज रहे हैं। एक चीज मैंने नोटिस की है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, वैसे वैसे नींद उतनी अच्छी आती जा रही है, और उतना ही बिस्तर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। खाना खाना नहीं होता ना, मैं नहीं निकलता। आज थोड़ा यूज टू होने में टाइम जाएगा हमारा, क्योंकि हम 15-16 से सीधा जीरो पे आ गए। यहाँ बैठ के हम खाएंगे डिनर। आर्या, तो होटल का नाम है ग्रैंड महल, आलिशान है, फाइव स्टार। फाइव स्टार कितना स्टार? फोर स्टार, बट अपन तो सुपर स्टार। आओ सारे आओ, दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। आ गए सारी मंडली, इज हियर, लेट्स गो। झूम बराबर, ये दो दो कैमरा है, सब दोनों में बताइए। आलू मटर है, मेथी पनीर है, दाल मखनी है और नॉन वेज उधर है। लेकिन शुरू किससे करना है? शुरू सूप से। सूप से शुरू? सूप से शुरू। पापड़ भाई, पापड़ वापड़ ले लेता हूँ, ठीक है चलता प्यार से। जैसे कि आर्या ने कहा था, सूप से शुरू करेंगे। अंटार्कटिका में बैठी पूरा, मुझे फर हो रहे, तीन चार लेयर दिख रहे हैं। रशियन रशियन। ये जो ऊपर है ये क्या है? क्या तप्ता? नहीं, सूरज देवता। तप्ता नहीं, 0 degree पे भाई घूम के आए हैं हमारे। हम तो सो गए थे। तो ये है, तो थोड़ा बैठने का मजा आ रहा है, अब इसको फटाफट गटकाएंगे। ये है हमारा भोजन, आलू मटर चावल ककड़ी गाजर मूली पापड़ नींबू मिर्ची। सारे बस्ती के हस्ती लोग यहाँ पर बैठ के मस्ती। ए समझ लस का है तू? हाँ तो मैं क्या बोल रहा था भाई, सारे बस्ती के लोग बैठ के मस्ती कर रहे। नहीं यार ये नहीं था, कुछ अच्छा ही था यार। यही तो बात है, एक बार जो निकल जाता है वो निकल जाता है। अभी जो भी बोला था वापस जाके देखना पड़ेगा क्या बोला था। हो गया आज का दिन खत्म, और कल हम एक ऐसी चीज करने का प्लान कर रहे हैं जो मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसके लिए यहाँ के लोकल लोग होंगे तो ही हो पाएगा। कल देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी व्लॉग समाप्त। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। شباري قال لك هو بيش إني قال لك أحد يلي قبل زيد لي قال سيرت حالك هنا ما قبل شيء قال شلل يا سيدي.